न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,58,089 नए मामले आए हैं और 385 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई। हालांकि इस दौरान 1,51,740 कोरोना के मरीज इससे ठीक हुए हैं। कोरोना के नए मामले आने के बाद देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 16,56,341 हो गई है। अब तक इस महामारी से 4,86,451 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 8,209 हो गए हैं। इधर देश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 157 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 41,327 नए मामले सामने आए और बीमारी के 29 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारियां दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को राज्य में संक्रमण के 42,462 मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 40,386 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। उपचाराधीन रोगियों की संख्या 2,65,346 है। राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 72,11,810 और मृतकों की संख्या 1,41,808 हो गई है। दिन भर में ओमिक्रॉन स्वरूप के 8 नए मामले सामने आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 332 हो गई। राज्य में कोविड 19 संबंधी मृत्यु दर 1.96%, जबकि संक्रमण से उबरने की दर 94.3% है। वहीं औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर उस समय लूट मच गई जब तेज रफ्तार टैंकर और डंपर में टक्कर होने के बाद वेस्ट ऑयल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। लोग जमकर तेल लूटने में जुट गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे टैंकर पलट गया। तेल पलटने के कारण आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तेल लूटने में लग गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, औरैया से तस्वीरें हैं जहां पर नेशनल हाईवे पर इस तरह से लूट देखने को मिली, जब तेल के टैंकर और डंपर के बीच टक्कर हुई और जिसके बाद तेल फैल गया, लोग इसको लूटने में लग गए। बेस ऑयल। ये हादसा कैसे हुआ? पीछे से कट मार दिया। किसने? टेलर वाले ने। ग्रामीणों ने इस ऑयल को लूट लिया और ग्रामीणों आयल गए भर के। अमरोहा के हसनपुर विधानसभा इलाके में पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। बता दें कि विधायक महेंद्र खड़गवंशी का टिकट क्लियर होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ महेंद्र खड़गवंशी का टिकट क्लियर होने पर जश्न मनाया। इस दौरान बिना मास्क के भीड़ इकट्ठा कर जनसंपर्क किया गया। विधायक ने पूरे हसनपुर शहर घूमकर जुलूस निकाला है। बिजनौर के धामपुर विधानसभा से एक बार फिर से बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी अशोक राणा को टिकट मिलने के बाद जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी विधायक अशोक राणा के निजी स्कूल में समर्थकों और जनता ने पहुंचकर उनका फूल माला पहनाकर जहां स्वागत किया, वहीं मिठाई खिलाकर खुशी भी जाहिर की है। तो बिजनौर की तस्वीरें हैं जहां पर अशोक राणा को टिकट मिला है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, फूल माला उनको पहनाई गई और साथ ही साथ मिठाई खिलाकर खुशी भी जाहिर की है। सिद्धार्थनगर में पुलिस प्रशासन आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहा है। बता दें कि आला अधिकारियों को फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर अमर सिंह चौधरी का बैनर था। आला अधिकारी बोर्ड के पास से ही गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें वो पोस्टर नहीं दिखा। ये साफ साफ आचार संहिता का उल्लंघन ही है। तो सिद्धार्थनगर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आचार संहिता का खुलेआम प्रशासन के सामने मखौल बनाया जा रहा है।
जब फ्लैग मार्च निकाला जा रहा था तब वहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था जो कि राजनीतिक पोस्टर था, विधायक का पोस्टर था। इसके बावजूद प्रशासन ने उसकी ओर मुंह नहीं किया और वहां से मुंह फेर लिया। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन और जिसकी खुद तस्वीरें उसकी हकीकत बयां करती हुई नजर आ रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हैं जहां प्रशासन खुद विधायक के पोस्टर लगे होने के बावजूद उस पोस्टर के सामने से निकल गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की है। सिद्धार्थनगर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन फ्लैग मार्च तो कर रहा है, लेकिन प्रशासन जब निकल रहा है तो उसके सामने विधायक का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की उस ओर निगाह नहीं जाती और उस ओर से मुंह फेर लेता है। ये साफ साफ तस्वीरें हकीकत बयां करती हैं कि किस कदर आचार संहिता का उल्लंघन होता नजर आ रहा है। बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र में दीवार के पास अलाव ताप रहे लोगों पर दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 5 लोगों की दबने से मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर घायलों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दीवार गिर गई जिसके चलते 5 लोगों की मौत हुई है। बदायूं की खबर है जहां पर दीवार गिरने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उत्तराखंड की जनता के बीच दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। जिले में धारा 144 लगने के बाद मंगलौर कस्बे में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे दिल्ली से आप पार्टी के विधायक परवीन कुमार ने चंद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो गई है, इस बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। तो मंगलौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली के विधायक पहुंचे हैं, जहां एक तरफ अब चुनावी मौसम को देखते हुए नेताओं के आना जाना लगा हुआ है, तो ऐसे में दिल्ली से विधायक मंगलौर पहुंचे जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। साथ ही साथ जिले में धारा 144 लगने के बाद मंगलौर कस्बे में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक परवीन कुमार पहुंचे, चंद कार्यकर्ताओं के साथ ये नजर आए और इसी दौरान उन्होंने बैठक आयोजित कर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की है। साथ ही साथ पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो गई है, इस बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। मैं एक चीज़ और अपनी मंगलौर की जनता से वादा करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि जो हमारे साथ 21 सालों से हमारे स्कूल हों, हमारे हॉस्पिटल हों, या जिस राजनीति के हम हाजी काजी की राजनीति के शिकार होते आए हैं, अब की बार उससे बाहर निकल के हमें योजनाओं पे ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा जा रहा है और जीता जा रहा है। और घर जाकर सबसे आशीर्वाद लेना, सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के नेता कहो या बेटा कहो, सिर्फ वही कर सकते हैं। और हाथ जोड़कर आपसे सबसे एक विनती करना चाहता हूं कि अब की बार अपने वोट का आप सही इस्तेमाल करें, ताकि हमारी एक एक बच्चे तक, हमारे एक एक बुज़ुर्ग तक, हमारे घर घर जो लाइट से हमारी मंगलौर की पूरी जनता या उत्तराखंड की पूरी जनता त्रस्त है, हज़ारों की संख्या में बिल कटे हुए हैं, तो उन योजनाओं तक पहुंचने दें और इस राजनीति से बाहर निकलकर अब की बार हमें विकास की बात करनी है। पार्टी लगातार जो है उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से सक्रिय हो रही है और तेज़ी से लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को लोगों का साथ मिल रहा है, यहाँ के उत्तराखंड के आवाम का, जनता का इससे साथ मिल रहा है। और लगातार जो हमने कैंडिडेट प्रत्याशी दिए हैं वो हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी जो हैं बेदागे हैं, और हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी जो हैं वो दूसरी पार्टियों से अच्छे हैं। भाजपा और कांग्रेस तो अभी तक अपनी लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई, उन्हें तो अभी सरफुटोबल से फुर्सत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले जो है 51 कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी है। और नवनीत राठी जी हमारे मंगलौर विधानसभा से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मंगलौर विधानसभा के तमाम लोगों का इनको साथ मिल रहा है। और इसके अलावा उत्तराखंड में जिस तरीके से
पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस को मात देने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार है, और ये इस बार का जो इलेक्शन 2022 का, ये उत्तराखंड की जनता लड़ रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया। तो अपने ने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है। हम हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नया सवेरा, नया सफर, नया है आगाज, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। चाय की चुस्कियां गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ। बाय मम्मी, बाय पापा। इससे अच्छी शुरुआत क्या भला हो सकती है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी, और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। दिन भर के लिए रहिए फुल अपडेट, दिन भर के बड़े डेवलपमेंट्स, दिन भर की पॉजिटिव खबरें। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया पारुल त्यागी के साथ और काजल नारायण के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक। इस समय चमोली के ब्लॉक कर्णप्रयाग में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, मोबाइल कनेक्टिविटी, महंगाई,
ये बड़े मुद्दे के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में कर्णप्रयाग की जनता अपना प्रतिनिधित्व किसको सौंपती है, इसे जानने के लिए जनता के बीच उतरे हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा और जानी जनता की राय। इस दौरान क्या कुछ कहा वहां की जनता ने, इसको जरा आप भी सुनिएगा। जो ऑल इंडिया की टीम कर्णप्रयाग विधानसभा में पहुंची है और कर्णप्रयाग विधानसभा में हमारे बीच कई दलों के जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी वो भी मौजूद हैं और आम जनता भी मौजूद हैं, तो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कर्णप्रयाग विधानसभा में इन 20 सालों में और पिछले जो 5 सालों में यहाँ पे भाजपा की सरकार में विकास कार्य कितने हुए हैं। तो हम उन्हीं जो हमारे बीच लोग हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि कर्णप्रयाग विधानसभा के क्या हाल हैं और क्या विकास हुए हैं और क्या विकास नहीं हुए, कहाँ क्या चीज़ छूट गई। तो हमारे बीच हैं मालिक इंद्रेस मैकुरी जी, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि जो पिछले 20 सालों का सरकार का जो यहाँ पर कार्य रहे विधानसभा में, जो पिछले 5 सालों के भाजपा सरकार के कार्य रहे, विकास कार्य रहे, उनका विकास कार्यों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में राज्य बनने को लेकर के जो हमने आस उम्मीद सपने संजोए और ये सोचा गया कि शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, पलायन का सवाल हल होगा, राजधानी का बनेगी स्थायी राजधानी गैरसैंण, ये सारे सवाल 20-21 सालों के बाद वैसे के वैसे वहीं के वहीं खड़े हैं और इस राज्य में अदल बदल करके भाजपा और कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन अफसोस कि जनता के सवालों को हल करने के प्रति उनकी न तो कोई इच्छा शक्ति थी, न उनके पास कोई इरादा था, और उनके लिए शराब मुख्य बात थी, उनके लिए खनन मुख्य बात थी, इसके अलावा कोई दूसरी बात थी। इसलिए आज 21 साल के बाद हम वहाँ खड़े हैं जहाँ फिर हम उसी दोराहे पर, उसी चौराहे पर खड़े हैं जहाँ हताशा निराशा चारों तरफ है। आप वामपंथी उम्मीदवार यहाँ पे क्या रहेगा? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि हमने कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से, 3 वामपंथी पार्टियों की तरफ से कहा, CPI, CPM, CPIML की तरफ से, कि विधानसभा के भीतर दरअसल सत्ता की अदला बदली और सत्ता की खुरचन, सत्ता की जूठन पाने में सब शरीक है, तो उस विधानसभा के भीतर जनता की आवाज़, जनता के संघर्षों की आवाज़ उठाने वाला कोई विपक्ष हो, इस बात के लिए विधानसभा के भीतर हम जाना चाहते हैं, इस लड़ाई में हम शामिल हैं और ये तमाम सवालों को कैसे हल किया जाएगा उस पर निरंतर सड़क से लेकर के और सदन तक संघर्ष की बात हम लोग करेंगे। जो निवर्तमान विधायक है सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके जो कार्यकाल रहा है, उनके उन्होंने जो क्षेत्र में विकास कार्य किए, क्या हुए? देखिए, 2017 में जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री जी देहरादून आए और देहरादून में आकर के उन्होंने कहा कि देहरादून के इंजन को दिल्ली के इंजन से जोड़ो तो विकास होगा। लोगों ने कर्णप्रयाग का इंजन देहरादून के इंजन से जोड़ा, देहरादून का इंजन दिल्ली के इंजन से जोड़ा, लेकिन यहाँ का इंजन तो चलना ही शुरू नहीं हुआ। सभा में आपसे पूछना चाहूँगा, मैं विधानसभा में कितने नए नए विद्यालय खुले हैं, नए जो यहाँ पर जो संस्थान है वो खुले हैं, रोजगार के कितने अवसर यहाँ पर लगे रोजगार के संबंध में? देखिए, अपग्रेड होने वालों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन बंद होने वालों की संख्या ज़्यादा है और पिछले एक लंबे अरसे में पूरे प्रदेश में अगर आप बात करें तो 3,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए, 3,000 विद्यालयों पर ताला लगा है सरकारी विद्यालयों। नए संस्थानों के खुलने की रफ्तार भी वही है, उसमें पहाड़ में कुछ नए संस्थान खोलने हैं ये सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है, उनके लिए सब कुछ देहरादून हरिद्वार धमसी नगर है, उससे ऊपर का प्रदेश तो उसी लोग वैसे ही वोट दे दे रहे हैं। चुनाव में दरअसल जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं है, बल्कि उसके इतर किसकी सरकार बननी है ये प्रमुख हो जाता है जाएगा, तो बाकी सारे सवाल गौण हो जाएंगे। जब चेहरों की राजनीति, झंडों की राजनीति बड़ी हो जाएगी तब मुद्दों की राजनीति पीछे हो जाएगी, यही वजह है कि हम आज इस दुर्दशा के कगार पर खड़े हैं। और उनसे जानना चाहूँगा कि आप जो कर्णप्रयाग विधानसभा की विधानसभा है, उस विधानसभा का कितना विकास हुआ है आज तक इन 20 सालों में, या जो निवर्तमान जो सरकार रही है उस सरकार के, यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं, निवर्तमान प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने कितना विकास आपके कर्णप्रयाग विधानसभा में किए? सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने पूछा कितना विकास हुआ है, आपने देखा होगा जब यहाँ पे 2017 का जो चुनाव था, 2017 के चुनाव में भाजपा ने कहा था कि आप हमको पूर्व बहुमत दें और जनता ने 57 विधायक जो है इनको चुन करके भेजा। आप आज देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है, हर नागरिक जो है सड़क पर खड़ा है, बेरोजगार नौजवान साथी की बात यदि मैं करूं तो नौजवान साथियों को कहीं पर रोजगार नहीं दिखता है। आज महंगाई देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पर जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो आज 1,000 रुपये का सिलेंडर है,
और तमाम जो देख रहे हैं आप युवाओं के लिए कहीं पर नौकरी नहीं, युवाओं के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कहीं पे नहीं लगता इस 5 सालों में कहीं पे कोई युवाओं के लिए रोजगार मिला है। या कांग्रेस की सरकार आई, जो वर्तमान में सरकार आएगी ये सरकार जो है यहाँ पे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस के जो आज जो काम, इससे पहले जो 5 साल 2012 में जो कांग्रेस ने काम किया, आप देख लीजिए यहाँ पे बेस हॉस्पिटल सिमली में बनाया, और बीजेपी सरकार ने वहाँ पे जो है आज भी आप एक भी अगर डॉक्टर वहाँ पे देने का काम नहीं किया। जनता से सवाल करेंगे कि हमारी पार्टी ने क्या किया है, जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं। अब हम सवाल लेते हैं आपसे, भाजपा कांग्रेस बड़े दल हैं, दोनों बड़े दल हैं, चुनाव में आएंगे, धन बल का प्रयोग करेंगे, तो आप जैसे छोटी पार्टी के लोग हैं आप किस ढंग से उसका मुकाबला करेंगे चुनाव में? देखिए, हम तो लगातार ही जनता के बीच में रहते हैं और उन्हीं के जरिए, उन्हीं लोगों के संसाधनों के दम पर, आम जनता के संसाधनों के दम पर ही राजनीति में खड़े हैं। तो धन बल का मुकाबला करने के लिए, बाहुबल का मुकाबला करने के लिए यदि हमारा तरीका है, कोई जरिया है, तो वो तो जनता की ताकत है, जनता के दम पर ही हम ये सब कर रहे हैं। प्याज विधानसभा में आपसे पूछना चाहूँगा, मैं विधानसभा में कितने नए नए विद्यालय खुले हैं, नए जो यहाँ पे जो संस्थान है वो खुले हैं, रोजगार के कितने अवसर यहाँ पर लगे रोजगार के संबंध में? देखिए, अब ग्रेड होने वालों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन बंद होने वालों की संख्या ज़्यादा है, और पिछले एक लंबे अरसे में पूरे प्रदेश में अगर आप बात करें तो 3000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए, 3000 विद्यालयों पर ताला लगा है सरकारी विद्यालयों। नए संस्थानों के खुलने की रफ्तार भी वही है, उसमें पहाड़ में कुछ नए संस्थान खोलने हैं ये सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है, उनके लिए सब कुछ देहरादून हरिद्वार धमसी नगर है, उससे ऊपर का प्रदेश तो उसकी लोग वैसे ही वोट दे दे रहे हैं। चुनाव में दरअसल जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं है, बल्कि उसके इतर किसकी सरकार बननी है ये प्रमुख हो जाता हो जाएगा, तो बाकी सारे सवाल गौण हो जाएंगे। जब चेहरों की राजनीति, झंडों की राजनीति बड़ी हो जाएगी, तब मुद्दों की राजनीति पीछे हो जाएगी। यही वजह है कि हम आज इस दुर्दशा के कगार पर खड़े हैं। और उनसे जानना चाहूँगा कि आप जो पंजाब विधानसभा की विधानसभा है, उस विधानसभा का कितना विकास हुआ है 8 तक इन 20 सालों में, या जो निवर्तमान जो सरकार रही है उस सरकार के, और यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं, निवर्तमान प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने कितना विकास आपके पंजाब विधानसभा में किए? सबसे पहले मैं न्यूज इंडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने पूछा कितना विकास हुआ है, आपने देखा होगा जब यहाँ पे 2017 का जो चुनाव था, 2017 के चुनाव में भाजपा ने कहा था कि आप हमको पूर्व बहुमत दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। At GLA University, we make the way. We inspire.